दोस्तों आज हम बात करने वाले साउथ की एक बहुत बढ़िया फिल्म जो 2022 में आया था ट्रिपलर, जिसने साउथ की ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवी जो वीएफएक्स इतना बढ़िया था जो ऑस्कर भी ले आया। इस मूवी में वीएफएक्स जो किया गया था सब असली नहीं था। इस मूवी में वीएफएक्स का कमाल बहुत है। इस मूवी में जो पहले हीरोइन लेकर आए थे वो भी वीएफएक्स का कमाल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रामचरण का पीछे जो बहुत ज़्यादा लोग थे ये कॉपी पेस्ट करके लिया गया था, और जो ये बनाए गए थे वो वीएफएक्स के लिए बनाए गए थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे रामचरण जो पहले थाने में जो एक्शन करते हैं वो भी वीएफएक्स का कमाल है। और यहाँ पे और एक जो जूनियर एनटीआर लिपट से लड़ रहे थे, वो लिपट नहीं एक नीली शर्ट पड़ा एक आदमी से जो जिसको काट करके वहाँ पे लिपट लगा दिया था। साउथ मूवी ने वीएफएक्स का एक अलग ही कॉल किया। आप देख सकते हो जहाँ पे ट्रेन का एक्शन था वहाँ पे एक छोटी ट्रेन बनाया गया था, वहाँ पे ये एक्शन बनाया था। आप देख सकते हो वीएफएक्स सीजीआई भर भर के है इस मूवी में। आरआरआर मूवी में इतना ज़्यादा वीएफएक्स किया जो हॉलीवुड लेवल अवतार का भी पास चला जाता है। इस मूवी में जो वीएफएक्स किया है वो बहुत शानदार है। इसलिए बहुत शानदार है क्योंकि इस मूवी में जो पत्ते भी जूनियर एनटीआर गाल में आते हैं वो भी वीएफएक्स के कमाल है। आपको देख के लगता नहीं होगा कि ये वीएफएक्स का कमाल है, लेकिन ये वीएफएक्स का जब जूनियर एनटीआर गाड़ी में आते हैं साथ ही उसके पास बाघ टाइगर होता है, लेकिन वो भी असली नहीं है, वो भी वीएफएक्स के कमाल है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो जूनियर एनटीआर लाभ देता है, उसके बाद लिपट से लड़ते हैं, लेकिन ये लिपट नहीं है, ये एक फुटबॉल लेकर लड़ते हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हो जो एक पुलिस वाला और एक ये के जैसे लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मूवी आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, इसलिए क्योंकि वीएफएक्स एक बहुत बढ़िया आ गया है। आप देख सकते हो जूनियर एनटीआर और रामचरण जब राम अवतार में आए थे, लेकिन वो रामचरण का अवतार जो आए थे उसको एक ग्रीन रूम में शूट किया गया था, इसलिए ग्रीन रूम में शूट किया गया था जो आपको दिखा सके सब फॉरेस्ट है यहाँ पर। और जूनियर एनटी का जो बाइक था वो बाइक एक ऐसा बाइक था जो छोटी थी उसको बनाया गया था। आप देख सकते हो इसको भी।